विद्यार्थियों, श्रीराम विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर हमारा चल रहा था दूसरा, जिसका नाम है दो अंकों की संख्याओं का जोड़। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे हम देखेंगे विद्यालय में 25 बालक वह 47 बालिकाएं पढ़ती है। एक विद्यालय जिसमें बालक बालिकाएं पढ़ते हैं उनकी हमें संख्याएं दे रखी है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने बालक बालिकाओं की संख्या है। जैसे यहां पर हमारा जो चैप्टर का नाम है जोड़, दो अंकों की संख्याओं का जोड़, यहां पर कुल दिया है। कुल का मतलब मैंने आपको पहले समझाया कि हमें ऐसे आए प्रश्न तो हमें उसमें क्या करना है जोड़। दो अंकों की देखो यहां भी 47 ही दी है और ये तो 25, दो अंकों की संख्या है जैसा हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें योग करेंगे, बालक और बालिकाओं की संख्या को हम जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या उस विद्यालय में आ जाएगी। सबसे पहले बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है विद्यालय में, 25 जैसा हमारे प्रश्न में दे रखा है 25। बालिकाओं की संख्या 47, बालिकाओं की संख्या 47। जैसा मैं हमेशा आपसे कहते रहता हूं, बराबर के निशान के नीचे बराबर का निशान लगाने की कोशिश करें। अभी से करेंगे तब जाके आप बड़ी क्लास में ये आपकी हैबिट बनेगी। अब हमें निकालनी कुल संख्या, तो हम क्या करेंगे योग, तो ये योग का निशान ये लगेगा। अतः कुल संख्या ये देखिए बराबर के निशान के नीचे बराबर का निशान जोड़ दीजिए। इकाई से जोड़ेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक से, ढाई के अंक को ढाई के अंक से। 5 में हमने 7 जोड़ा, 5 और 7 12, 8 से 1 ये आप या 10 के ऊपर लगा दें, 2 और 4 6 और 1 8 से 7। उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं बालक और बालिका को मिला के 72 यानी 72, ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक गुब्बारे वाले के पास 19 गुब्बारे लाल व 25 गुब्बारे पीले हैं, यानी दो रंग के उसके पास गुब्बारे हैं लाल और पीले जिसकी संख्या हमें दी है प्रश्न में, बताइए उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं। कुल वही योग करेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने, लाल गुब्बारे कितने हैं प्रश्न में देखें, 19। पीले कितने हैं, 25। पीले गुब्बारे बराबर। अब हमें करना है योग, तो आप योग का निशान लगा दें और पूछे हमसे कुल गुब्बारे जोड़ देना। बराबर के निशान के नीचे बराबर का निशान, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, इकाई के अंक को इकाई के अंक से, ढाई के अंक को ढाई के अंक, 9 और 5 14, हासिल 1, इसको हम याददाश्त के लिए अपन ने यहां लगा दिया, हासिल लगा दी 1 और 2 3 और 1 हासिल 4। उस गुब्बारे वाले के पास कुल कितने गुब्बारे हैं, 44, 19 और पीले को जो हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। एक चरवाहे, चरवाहे का मतलब जो पशुओं को चराता है, तो एक चरवाहे के पास 15 ऊंट 10 गधे, अब बताओ गधे का नाम आते हैं कैसे लग रहा है, 15 ऊंट 10 गधे तो 16 बकरियां हैं, बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। कुल जैसे कुल आया हमें पता है कि हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, हम इसका हल करते हैं, समझ में आ गया। जो पशु चराने वाला है उसके पास 3 तरह के पशु हैं,
और तीनों का यहाँ नाम लिखें कितने कितने, उनको सबको हमें जोड़ना है। ऊंटों की संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न में देखें, 15। भदों की संख्या प्रश्न में देखेंगे 10। बकरियों की संख्या 16। हमें क्या करना है, कुल निकालना है, तो योग करेंगे या योग करेंगे, कुल निकालना है तो कुल संख्या, अतः कुल पशुओं की संख्या इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का निशान योग कर दें, करें योग वही इकाई अंक से, 5 और 0, 5 और 6 11, हासिल 1, ये याददाश्त के लिए हमने ऊपर हासिल दी, 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 और 1 हासिल 4। उस चरवाहे के पास कुल कितने पशु हैं, 41, जिनको वह चराता है, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न, छगन ये किसी व्यक्ति का नाम है, छगन ने पहले दिन 76 पके आम व दूसरे दिन 68 पके आम तोड़े, यानी उसने अपने पेड़ में से क्या किया, पहले दिन तो 76 पके आम तोड़े, दूसरे दिन फिर 68 पके आम तोड़े, तो बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े, कुल यानी पहले दिन और दूसरे दिन को जोड़ दें वह आएगा कुल। हल करते हैं, पहले दिन तोड़े कितने तोड़े, प्रश्न में हम देखेंगे 76, 76 पके आम, ये प्रश्न में कह रहा पके आम, क्यों, जो आम पके हैं जब उसने तोड़े नहीं तो वो कैरी के रूप में, दूसरे दिन तोड़े 68, कौन से आम तोड़े, कच्चे नहीं तोड़े पके तोड़े, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, कुल संख्या निकालनी है यानी जोड़ करना है योग, तो हम योग करेंगे, कुल कुल कितने तोड़े, आप इनको तोड़े, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का निशान लगाएं, वही इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ें, 6 ने 8 जोड़ा 14, 4 हासिल 1, ये हमने लगाई, 7 और 6 13 और 1 हासिल 14, देखिए दोनों दिन मिला के कुल कितने तोड़े तुमने, 144 आम, कौन से पके वाले, पके आम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आया समझ में। यदि किसी विद्यार्थी को समस्या आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।